मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 12 नियोजित विकास की राजनीति को पढ़ेंगे। नियोजित विकास की राजनीति पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नियोजन क्या है और विकास का अर्थ क्या है, ये पढ़ा था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। आपको जैसा नाम से समझ में आ रहा, पंचवर्षीय मतलब जो 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। इसको पढ़ते हैं हम। भारत में आर्थिक विकास की योजना 5 वर्ष के लिए तैयार कर 1 अप्रैल 1991 से प्रारंभ की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1991 से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी और अब तक कुल 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया। अब 1 अप्रैल 1991 से भारत में आर्थिक विकास की योजना के लिए को 5 वर्ष के लिए तैयार किया गया था, जो पंचवर्षीय योजना के नाम से हम जिसको जानते हैं। और अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको समय से पूर्व ही समाप्त किया गया। क्यों समाप्त किया गया समय से पूर्व? क्योंकि सरकार ने इसके स्थान पर नए आयोग नीति आयोग की घोषणा शुरू कर दी। इसको क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि सरकार ने नए आयोग नीति आयोग, कौन सा आयोग बना? नीति आयोग की घोषणा कर दी और जिस पर अभी कार्य करना शुरू भी हो गया है। अब देखते हैं कि भारत में जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं थी उनकी तालिका देखते हैं, सूची देखते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो कब तक थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। फिर वार्षिक योजना 3 वर्षीय 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना में 1 वर्ष का अंतराल रहा 1 अप्रैल 1979 से लेके मार्च 1980 तक का, इसके बीच में अंतराल रहा। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से लेकर 1 मार्च 1985 तक। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना को दो साल के लिए बढ़ाया गया था, जो 1985 से लेकर 1990 तक। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना थी, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। फिर दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आखिरी थी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2012 तक। इसको बीच में ही बंद कर दिया और इसके स्थान पर नए आयोग नीति आयोग की स्थापना की गई। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ जी मोदी ने इसकी घोषणा की।
देखते हैं बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना के उद्देश्य क्या थे, इस योजना के लक्ष्य क्या था, इसमें कितना व्यय था, बजट कितना था, इसमें क्या उपलब्धि रही, ये देखते हैं। तो इसका जो लक्ष्य था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि विभाजन से छत-विछत अर्थव्यवस्था, जो भारत विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इससे जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी छत-विछत हो, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए कृषि संकट को हल करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया, कच्चे माल की स्थिति में सुधार लाने हेतु परिवहन व्यवस्था पर ध्यान देना तथा सिंचाई व जल विद्युत परियोजना का निर्माण करना था, क्योंकि भारत विभाजन से बहुत से संकट और अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा था। अब देखते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में कितना व्यय हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र हेतु व्यय कितना था, 2378 करोड़ रुपए। इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो व्यय था 2378 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय था और 1960 करोड़ रुपए ही इसमें कुल खर्च किए जा सके। इनमें परिवहन एवं संचार, सामाजिक सेवाओं में क्रमशः 27% और 23%, सिंचाई योजना में 16%, कृषि पर 15% और विद्युत परियोजना में 13% खर्च हुआ और उद्योग, खनिज व लघु उद्योगों पर 4% और 2% की राशि क्या करी गई, इन पर व्यय की गई। और अनुमानित व्यय कितना था, 2378 करोड़ था और इनमें व्यय कितना हुआ, 1960 करोड़ रुपए ही व्यय किए जा सके। अब देखते हैं कि इसकी उपलब्धि कितनी थी। राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि की दर्ज की। इसमें राष्ट्रीय आय में 18% की बढ़ोतरी हुई, इससे वृद्धि हुई, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में 20% बढ़ा, औद्योगिक उत्पादन में 8% की वृद्धि हुई और 45 लाख लोगों को रोजगार मिला, जिससे कीमतों की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रहा। इससे क्या हुआ, रोजगार के अवसरों की भी वृद्धि हुई। इस योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की अवहेलना की गई, अनुमान से कम व्यय किए जाने से बेरोजगारी समस्या और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आशाजनक जितना चाहा था, उम्मीद करी थी, उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी और इस योजना के लिए वित्तीय साधनों को जुटाने में अत्यधिक आशावादी साधनों को जुटाने में अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया, किंतु जल्दी जल्दी में बनाई गई इस योजना से देश के कमजोर आर्थिक दशा को ध्यान में नहीं रखे जाने से इसमें पर्याप्त या वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। और निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि देश के नियोजन का अनुभव क्या है, कि देश के नियोजन का अनुभव न होने के कारण यह योजना सही ढंग से सफल न हो सकी, पर आगे की योजनाओं के लिए विश्वास पूर्वक प्रयास करने का प्रेरणा अवश्य प्राप्त हुई। अब क्या हो सकी, नियोजन शायद कि नियोजन का अनुभव न होने से यह पर्याप्त रूप से यह योजना सफल नहीं हुई, पर आगे की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको विश्वास पूर्वक प्रयास करने की से प्रेरणा प्राप्त हुई। अब आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अभी हमने पहली पंचवर्षीय योजना पढ़ी, जिसका समय था 1951 से 1956 तक। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका समय 1956 से
अब इस योजना का लक्ष्य और व्यय और उपलब्धियां देखते हैं। तो इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य आधारभूत एवं भारी उद्योग, विशेषकर लोहा, इस्पात, कोयला, सीमेंट और भारी रसायन उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, जिससे लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। फिर से सुनिए, इस योजना का मुख्य लक्ष्य एवं आधारभूत लक्ष्य क्या था? भारी उद्योगों, विशेषकर लोहा, इस्पात, कोयला, सीमेंट, भारी रसायन उद्योगों की स्थापना करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था, जिससे कल्याणकारी राज्य एवं एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अब देखते हैं कि इसमें कितना बजट या व्यय था। तो दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 4,800 करोड़ रुपए व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया, कितनी राशि का? 4,800 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया और वास्तविक व्यय जो आया कितना था? 4,672 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया गया। कहाँ कहाँ व्यय हुआ? निजी क्षेत्र में की जाने वाली राशि 3,100 करोड़ रुपए थी। इस तरह 7,772 करोड़ रुपए में क्रमशः परिवहन संचार में 27%, उद्योग और खनिज पर 20%, सामाजिक सेवाएं एवं विधिक क्षेत्र में 18%, कृषि और सामुदायिक विकास पर 12%, विद्युत शक्ति पर 10%, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर 4%, सिंचाई पर 9% के हिसाब से व्यय किया गया। अब देखते हैं कि उपलब्धियां क्या थी। तो इस योजना से कृषि और सामुदायिक क्षेत्र में वृद्धि हुई। लगभग 210 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई उपलब्ध कराई गई। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, तीन इस्पात के कारखाने, चितरंजन में रेल कंजन बनाने, पोस्ट फैक्ट्री खोलने के, रेल, सड़क, परिवहन, बंदरगाहों का विकास किया गया। इस योजना में कृषि के विकास में प्रेक्षा दिखाई गई, जिससे खाद्यान्न, पटसन, रुई के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। विद्युत की कमी के कारण धीमा औद्योगिक विकास हुआ। खाद्यान्न हालत के कारण विदेशी विनिमय की समस्या उत्पन्न हो गई और निष्कर्ष यह निकला कि यह योजना महत्वाकांक्षी होने के बाद भी असफल रही और योजना में विदेशी विनिमय की कमी से देश विदेशी सहायता पर निर्भर हो। इसी तरह नियोजित विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना तक कार्य किया। अब देखते हैं कि भारतीय नियोजन की उपलब्धि एवं कमियां, कि इन पंचवर्षीय जो योजनाएं थी इनमें कौन कौन सी उपलब्धियां हुई और कौन कौन सी कमियां रह गई थी। तो भारत के विकास में योजनाएं 1 अप्रैल 1991 में प्रारंभ हुई पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताओं और असफलताओं का लेखा जोखा कठिन कार्य है, किंतु कुछ साल में विकास योजनाओं की प्रमुख सफलताओं और कमियों का इस प्रकार विवरण है। पहले देखते हैं योजनाओं की उपलब्धियां। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बचत व विनियोग की दरों में वृद्धि, औद्योगिक विकास में वृद्धि, कृषि एवं ऊर्जा क्षेत्र में विकास, परिवहन एवं संचार माध्यमों में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज में की सेवाओं में विस्तार हुआ। राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। फिर बचत और की दरों में वृद्धि हुई, औद्योगिक विकासों में भी वृद्धि हुई, कृषि और ऊर्जा में भी वृद्धि, परिवहन, संचार। उपर्युक्त बिंदुओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ और
उद्योगों की स्थापना के साथ साथ आयात निर्यात में वृद्धि हुई, रोजगार मिलने से बेरोजगारी घटी, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से उपभोग के स्तरों में भी वृद्धि हुई है। कृषि, परिवहन, सिंचाई, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास की गति बढ़ने से भारतीयों का जीवन स्तर में भी बहुत सुधार हुआ। आय में वृद्धि से बैंकिंग क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ने से रुपयों की साख भी मजबूत हुई। आज भारत विश्व के प्रथम 6 औद्योगिक प्रधान देशों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। अब देखते हैं कि इन विकास योजनाओं की कमियां। तो भारत के विकास योजनाओं की में मिली सफलता के साथ कुछ असफलताओं व कमियों की ओर भी सभी का ध्यान आकर्षित कर आती हैं। इन कमियों या असफलताओं को निम्न बिंदुओं में समाहित किया जा सकता है। पहला, आशा के विपरीत विकास की धीमी गति। जितना उम्मीद की गई थी उससे विकास की गति धीमी या मंद रही। राजकोषीय घाटा एवं विदेशी ऋणों का अभाव। इन योजनाओं को पूरा करने में राज का जो कोष था उसमें घाटा, और योजनाओं को पूर्ण करने के लिए विदेशों से ऋण भी लेना पड़ा। फिर है सार्वजनिक क्षेत्रों की असफलता। असमानताओं में वृद्धि, चाहे आर्थिक असमानता देख लें, सामाजिक असमानता देख लें, औद्योगिक असमानता देख लें, इन सब में क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर उत्पादक क्षेत्रों में धीमे विकास से बेरोजगारी का बढ़ना। उत्पादक क्षेत्रों में धीमे विकास से क्या थी, जो उत्पादन था वो धीमी गति से हो रहा था, जिससे विकास में कमी आई और बेरोजगारी बढ़ी। विदेशी निवेशकों का बढ़ता शिकंजा। अतः स्पष्ट हो जाता है संक्षेप में कि देश की पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ न कुछ असफलता अवश्य प्राप्त हुई, परंतु आम जनता को उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सका। कीमत में बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। विदेशी ऋण देश के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। इस तरह ये योजनाएं सफलता और असफलता दोनों का ही मिश्रण थी। बच्चों, आज ये यही समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। परीक्षा आपको देनी है, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है।